एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज जो हमारा चैप्टर अंडर डिस्कशन है वो है रेस्पिरेशन। जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या है कि बॉडी में आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को मीट करना, मींस कि आपकी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को टू द बॉडी टिश्यूज एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडीज टिश्यू उसको आउटसाइड द बॉडी एक्सहेल करना। अब अगर बात की जाए पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसमें जो बेसिक पार्ट्स हैं वो आते हैं आपका नोज़, जिससे आप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं। देन आपका आता है फेरेंक्स, जो कि तीन पार्ट्स उसके फर्दर होते हैं, नेसोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लेरेंजियोफेरेंक्स, जो कि लेरेंक्स में ओपन होता है लेरेंजियोफेरेंक्स। उसके अलावा आपका ट्रेकिया है, ब्रोंकाया एंड अल्टीमेटली लंग्स, जिसमें कि एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका आएगा नोज, फेरिंग्स और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, जिसमें कि आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आप उसे कहते हैं फेरिंग्स आते हैं। उसके बाद जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है आपका लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाय एंड लंग्स। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को कहेंगे अपर आरटीआईज और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को कहेंगे लोअर आरटीआईज। अब अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें आपका आता है नेजल कैविटी, उसके बाद आपकी फेरिंक्स और लेरिंक्स, उसके बाद जो है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें आपका ट्रेकिया है, ब्रोंकाया है एंड लंग्स, ये आपका है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब अगर बात की जाए पर्पज़ ऑफ रेस्पिरेशन के, बॉडी में रेस्पिरेशन का पर्पज़ क्या है, तो इसका पर्पज़ है बेसिकली टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द टिश्यूज और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना फ्रॉम द टिश्यूज। अब ये फोर बेसिक फंक्शनल इवेंट्स में होता है। पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन होती है कि आपकी एयर लंग्स में जाएगी, उसके बाद डिफ्यूजन होगी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की इन एल्वियोलाइज ऑफ द लंग्स, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगी ऑक्सीजन आपके ब्लड के थ्रू डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेल में और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगी, और इसी तरह ये प्रोसेस जो है रेगुलेट होता रहेगा। अगर पल्मोनरी वेंटिलेशन की बात की जाए तो ये दो वर्ड्स का है, पल्मो एंड वेंटिलेशन, पल्मो मीन्स लंग्स एंड वेंटिलेशन मीन ब्रीथिंग। तो ये जो है ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ऑफ एयर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसके मैकेनिज्म्स दो हैं, जिस तरह के आपको पहले बताया इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन में जो आपके दो टाइप्स के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरी मसल्स जो कि प्राइमरी रोल प्ले करते हैं एंड एक्सेसरी मसल्स जो कि अपार्ट फ्रॉम दैट एडिशनल मसल्स उसमें आते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्राइमरी मसल्स में आपका डायाफ्राम आता है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक्सेसरी में आपका आता है स्टर्नोसिलेडोमस्टॉइड एंड सीरेटस इंटीरियर पेक्टोरलिस माइनर एंड स्केलेनी। बेसिकली ये आपके चार मसल्स हैं जो कि एक्सेसरी मसल्स में इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर इंस्पायरेशन की बात की जाए तो इंस्पायरेशन को अगर ग्रामेटिकली या डायग्रामेटिकली आप इसको शो करें तो वो कुछ ऐसे होगा कि सबसे पहले आपके डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसके बाद जो है वो आपका वर्टिकल डायमीटर ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगी, जिसमें कि आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगी और रिब्स जो है वो आउटवर्ड मूव होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में आएंगी और स्टर्नम आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। लंग्स आपके ऑब्वियसली एक्सपैंड करेंगी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन या एयर फिलअप हो रही है, और इंट्रा एल्वुलर प्रेशर एंड इंट्रा थोरेसिक प्रेशर जो है वो आपका डिक्रीज होगा। उसके बाद आपका एयर जो है वो मूव करेगी एटमॉस्फेयर से लंग्स में, और ये आपका इस तरह ये आपका इंस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब अगर बात की जाए एक्सपायरेशन की, तो एल्वुलर एयर को बॉडी से एक्सपेल आउट करना या उसको बाहर निकालना, जिसमें कि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं एक्सपायरेशन। अब मसल्स जो हैं वो फोर्स एक्सपायरेशन में जो यूज़ होते हैं उसमें आपके इंटरनल इंटरकॉस्टल्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑब्लीक एब्डोमिनिस होते हैं, इंटरनल ऑब्लीक एब्डोमिनिस होते हैं, रेक्टस एब्डोमिनिस है एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। बेसिकली ये मसल्स आपके हैं जो कि फोर्स्ड एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर बात की जाए कि आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म क्या है, तो वो आपने देखा। अब एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म क्या है कि बेसिकली
रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पायरेटरी मसल होगा तो आपका एक्सपायरेशन स्टार्ट होगी, डिक्रीज्ड वर्टिकल एंड एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट कैविटी, उसके बाद लंग्स का साइज डिक्रीज करेगा, इंक्रीज इंटर एल्वुलर एंड इंट्राथोरेसिक प्रेशर, इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होगा थोरेसिक में और एल्वुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एल्वुलर प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम 760 टू 762 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और एयर जो है वो आपके मूव करेगी फ्रॉम लंग्स के टूवर्ड्स द एटमोसफेयर, और इस तरह जाके आपका एक्सपायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर बात की जाए पल्मोनरी वॉल्यूम्स की, तो बेसिकली पल्मोनरी वॉल्यूम्स में आपके डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम आते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है आपका टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन ईच नॉर्मल ब्रीथ बेसिकली इट्स इट, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 500 ml एयर की। उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें आता है कि ये आपका एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि आप फोर्स्ड इंस्पायरेशन के थ्रू आप टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, एक तो आपका टाइडल वॉल्यूम है, उसके अलावा आप फोर्सफुली जो रेस्पायरेशन करेंगे इंस्पायरेशन करेंगे उसमें हम इसको इन्वॉल्व करते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो है 3000 ml। देन आपका आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड, कि आप एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है उस जो एक्सपायर कर सकते हैं फोर्सफुली फ्रॉम योर लंग्स इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो है 1100 ml। लास्ट जो है वो है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ एयर स्टिल जो कि आप एक्सपायरेशन के बाद आपके लंग्स में रिमेनिंग रह जाए उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, अब इसकी जो वैल्यू है वो है 1200 ml। नेक्स्ट जो है वो है हमारा पल्मोनरी कैपेसिटीज, पल्मोनरी कैपेसिटीज बेसिकली दो या दो से ज़्यादा अगर आप पल्मोनरी वॉल्यूम्स को कंबाइन करें तो पल्मोनरी कैपेसिटीज बनती हैं। इसमें सबसे पहली है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये जो है ये बेसिकली एबिलिटी ऑफ द लंग्स है, इसमें आप टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व को अगर आप कंबाइन करें तो ये आपकी बनती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सेकेंड है आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये जो है बेसिकली अमाउंट ऑफ एयर जो है वो आपके लंग्स में रिमेन रह जाए ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन। थर्ड वन इज़ योर वाइटल कैपेसिटी, बेसिकली ये जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो है एक पर्सन फोर्सफुली अपने लंग्स से एक्सपेल कर सकता है डीप इंस्पिरेशन, मतलब लंबा सांस लेने के बाद कितनी अमाउंट ऑफ एयर वो जो है वो एक्सपेल आउट कर सकता है फ्रॉम योर लंग्स इन अ वन डीप ब्रेथ। उसके बाद आता है टोटल लंग कैपेसिटी, दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम टू विच द लंग्स कैन बी एक्सपेंडेड, कि जितना इतना ये वो मैक्सिमम वॉल्यूम है जिस जहाँ तक के आपके लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड हो सकते हैं, ठीक है। अब इंस्पायरेटरी एफर्ट, के आपने कोई एफर्ट नहीं किया इंस्पिरेशन में और आपका लंग्स जितने एक्सपैंड करेंगे वो आपके आते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी में। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वो हमारा टॉपिक है कि आपके इन द लंग्स डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती किस तरह, कि अब सबसे पहले आपको पता है कि जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो गैसेस इन्वॉल्व होती हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनकी डिफ्यूजन बेसिकली कैसे होती है, तो जो फर्स्ट मैकेनिज्म है वो है प्रोसेस है वो है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाइज टू पल्मोनरी ब्लड, कि क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ जो है ऑक्सीजन का वो एल्वियोलाई में जो है वो होता है 104 mm ऑफ मर्करी, ठीक है, तो जो है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मूव नहीं होती है, ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर डिफरेंस जो है बेसिकली ये प्रेशर डिफरेंस जो है वो हेल्प करता है ऑक्सीजन को बेसिकली लंग्स और एटमॉस्फेयर के या ब्लड के और लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसका प्रेशर डिफरेंस होता है, तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपकी जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व या आप डिफ्यूज़ होती है फ्रॉम एल्वियोलाइज टू ब्लड। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कैपिलरीज इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, के आपका जब ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को वापस टिश्यूज़ में ले गया तो तब आपके कैपिलरीज से टिश्यूज़ में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑक्सीजन कैसे जाएगी, तो जो है
वहाँ पे भी प्रेशर डिफरेंस होता है, पार्शल प्रेशर डिफरेंस होता है, इसकी वजह से कैपिलरी एंड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आपका जो है ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स इनटू सेल, के इंटरस्टिशियल फ्लूइड से क्या होगा कि पहले आपके ऑक्सीजन लंग से एल्वियोलाय में गई, एल्वियोलाय से पल्मोनरी ब्लड में गई, ब्लड से आपके कैपिलरीज से इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अल्टीमेटली प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जाएगी सेल्स के अंदर। जो सेकेंड है आपकी गैस, मेजर गैस जो इन्वॉल्व होती है इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा कि इसमें भी प्रेशर डिफरेंस आएगा कि आपके सेल से सबसे पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये बेसिकली जाएगी कैपिलरीज से, और ब्लड कैपिलरीज जो कि एल्वियोलाय में जाएंगी वहाँ से अल्टीमेटली आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सपेल आउट हो जाएगी फ्रॉम द बॉडी थ्रू रेस्पिरेटरी। अब अगर बात की जाए फैक्टर्स की जो के अफेक्ट करते हैं गैस की डिफ्यूजन इन द सेल्स की, तो सबसे पहले आता है थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। बेसिकली रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन ऑफ गैस है, कि थिकनेस ज़्यादा होगी डिफ्यूजन कम होगी, थिकनेस कम होगी तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, ठीक है। सेकेंड है आपका सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिफ्यूजन ऑफ गैस के, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा आपकी डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होंगी थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ गैस, अब ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो है वो है प्रेशर डिफरेंस, कि प्रेशर डिफरेंस जो है ना ये पार्शल प्रेशर ऑफ गैसेस एंड एल्वियोलाइज एंड द प्रेशर ऑफ गैस इन द ब्लड, जब पार्शल प्रेशर गैस का एल्वियोलाइज में ज़्यादा होगा तो पार्शल प्रेशर ऑफ गैस जो है तब आपके इन द ब्लड जो है कम होगा, जिसकी वजह से आपका नेट डिफ्यूजन स्टार्ट होगी, ठीक है, फ्रॉम एल्वियोलाइज इनटू द ब्लड। बट जब पार्शल प्रेशर गैस का ज़्यादा होगा इन द ब्लड एज कम्पेयर टू एल्वियोलाइज, तो इन द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली ब्लड से डिफ्यूज करके लंग्स में चले जाएगी या एल्वियोलाइज में चलेगी और वहाँ से एक्सपेल आउट होगी फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, के ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली ब्लड में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा जो ऑक्सीजन है बेसिकली 97% जो ऑक्सीजन ऑफ द बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हीमोग्लोबिन, जो 3% है वो क्या होगी डिसॉल्व हो जाएगी इन ब्लड प्लाज्मा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन इन द ब्लड विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन में क्या आएगा कि जो ऑक्सीजन थ्रू हीमोग्लोबिन होगी वो होगी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। अब ये भी जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है कि पार्शल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से एल्वियोलाइज में और कैपिलरीज में ये डिफ्यूजन टेक प्लेस होगी। देन अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली 7% जो है वो है आपकी डिसॉल्व होती है थ्रू प्लाज्मा, जो आपकी कम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ये आपकी जो है 23%, और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में बेसिकली जो है वो आपकी होगी 70%। तो बेसिकली 100% ये आपका, अगर आप इसकी वैल्यूज को प्लस करें तो ये 100% हो जाएगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा और बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट की फॉर्म में आपके क्लोराइड आयंस, इसके अलावा हाइड्रोजन आयंस और हीमोग्लोबिन इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इजीली एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। अब अगर बात की जाए रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन तो हो रही है, प्रोसेस हो रहा है बेसिकली, तो वो हो किस तरह रहा है, वो रेगुलेट कौन सी चीज़ कर रही है इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में बेसिकली दो मैकेनिज्म्स हैं इनिशियली, जिसमें आपका आता है नर्वस रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन, उसके अलावा एक और होता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम। अब नर्वस रेगुलेशन में जो सबसे पहले सिस्टम आएगा वो है आपका डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप बेसिकली ये आपका बायलेटरली प्रेजेंट होता है डॉर्सल पोजीशन इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा,
इसका काम क्या है कि ये रिदमिकली इंस्पायरेटरी सिग्नल्स को डिस्चार्ज करेगा, जिसकी वजह से रैंप सिग्नल जनरेट होंगे जो कि 2 सेकंड पे इनिशिएट होंगे और 3 सेकंड बाद आपके स्टॉप हो जाएंगे या सीज हो जाएंगे। उसके बाद आता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये जो है लॉन्ग कॉलम ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस एंड न्यूक्लियस रिट्रो एम्बिगुअस जो है इन वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो फंक्शन है बेसिकली वो है कि ये फोर्सफुल पावरफुल एक्सपायरेटरी फोर्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ये जनरेट करवाते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो है आपका निमोटेक्सिक सेंटर। बेसिकली ये आपका सिचुएटेड होता है न्यूक्लियस पैराब्रेकैलिस ऑफ अपर पोन्स, अपर पोन्स के न्यूक्लियस पैराब्रेकैलिस में ये प्रेजेंट होता है और ये इंस्पायरेटरी एरियाज को इम्पल्सिस सेंड करता है। लास्ट जो हमारा वो है एपनोइस्टिक सेंटर, ये बेसिकली प्रेजेंट होता है लोअर पॉन्स में और ये रैंप सिग्नल्स को स्विच ऑफ करता है। सेकंड जो हमारा केमिकल रेगुलेशन है उसमें आपका आता है कीमोसेंसिटिव एरियाज, जिसमें कि आपका जो है आपके बॉडी के कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि केमिकल सेंसिटिव हैं, ठीक है, तो जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली मोर इम्पॉर्टेंट है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि इन एरियाज को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, और कीमोसेंसिटिव एरियाज एक्टिवेट हो जाएंगे। देन आपका आता है इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आयंस ऑन कीमोसेंसिटिव एरियाज। कीमोसेंसिटिव एरिया, अब ब्लड में हाइड्रोजन आयंस जो प्रेजेंट है इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन आयंस जो है ये एज अ स्टिमुलस एक्ट करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस हमें पता है कि ये ड्यूरिंग आपको पीछे भी मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज में प्रोड्यूस होते हैं। तो जब हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे तो ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेंगे, बट ब्लड में जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो कीमोसेंसिटिव एरियाज को अकेले अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को या ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। लास्ट जो है उसके बाद जो है हमारा इफेक्ट ऑफ ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये तो है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस कर सकती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को जब ये क्रॉस करेगी तो वहाँ पे जाकर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बोनिक एसिड बना देगी। कार्बोनिक एसिड जो है ये क्विकली वहाँ पे डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन आयंस में और बाइकार्बोनेट्स में। तो जब CO2 इंक्रीज होगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज होंगे, तो ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये फिर जाके कीमोसेंसिटिव एरिया जो ब्रेन में है उसे स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, और ये जो है आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन और या फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट करेंगे। उसके बाद आता है इफेक्ट्स ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कार्बन डाइऑक्साइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कार्बन डाइऑक्साइड ये ज़्यादा अफेक्ट करती है, जिस तरह कि आपको पता है कि ये CSF को क्रॉस कर जाती है, तो इसका अफेक्ट ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर्स। तो इसकी वजह से आपको पता है कि इसका ज़्यादा इफेक्ट आएगा क्योंकि प्रोटीन बफर जो है वो बेसिकली कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब लास्ट जो है हमारा आज का टॉपिक इस चैप्टर का वो है फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन, के हमने रेस्पिरेशन बेसिकली उस वक्त का हम पढ़े हैं, तो इसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं एक्चुअली। तो फंक्शंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपकी रेस्पिरेशन का सबसे पहला काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेसिकली गैसेस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेजर फंक्शन ही ये है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। अब इसमें आपने पहले जिस तरह डिस्कस किया कि हाइड्रोजन आयंस तो एसिड बेस इसकी पीएच चेंज होगी, तो ये मेंटेनेंस बेसिकली आपकी थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम होगी। उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, कि जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को एक्सपेल करेंगे फ्रॉम द बॉडी तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो अलॉन्ग विद दैट एक्सपेल आउट होगी। एक्सक्रीशन, अब जिस तरह के कुछ हमारे वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं जो कि एक्सक्रीट ही होते हैं थ्रू योर एयर, मींस के थ्रू योर लंग्स, तो इसमें आपकी एग्जांपल्स आती हैं अमोनिया, कीटोन बॉडीज
अल्कोहल एंड एसेंशियल ऑयल्स बेसिकली। देन आपका आता है इसमें जो है रेस्पिरेशन का सर्कुलेशन में रोल, तो इसका सबसे पहला है वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न क्या है कि जो इंस्पायरेशन की ड्यूरिंग इंट्राथोरेसिक प्रेशर आपका कम हो जाएगा और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर आपका ज़्यादा हो जाएगा, जिस तरह हमने ये पहले डिस्कस किया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि वीनस रिटर्न को इंक्रीज करेगा। जब वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। देन आपका आता है ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ इंस्पायरेशन एंड अर्ली पार्ट ऑफ एक्सपायरेशन। और फाइनल जो इसका फंक्शन है वो है प्रोटेक्टिव फंक्शन, जिसमें कि आपका आता है कफ रिफ्लेक्स, कि आपकी बॉडी में अगर कोई आपने इनहेल कर लिया है फॉरेन पार्टिकल तो बॉडी कफ रिफ्लेक्स करके उसको एक्सपेल आउट कर देगी, स्नीजिंग सेम। एंड देन रोल ऑफ एपिग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वॉलिंग, कि एपिग्लॉटिस एक आप फ्लैप कह लें जो कि आपके लंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि ड्यूरिंग स्वॉलोइंग आपकी ट्रेकिया के ऊपर आ जाता है, ठीक है, विंड पाइप के ऊपर आ जाएगा, ताकि आप स्वॉलो करते हुए उसको अपनी जो है विंड पाइप में ना ले जाएं। दैट इज़ ऑल अबाउट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम और बेसिकली रेस्पिरेशन।